ये है पूरे 100 मिलियन डॉलर का एक विशाल सा मैंशन, और ये इंसानों ने बनाया हुआ अब तक का सबसे लग्जरियस घर हो सकता है। और हम कंपेयर करेंगे इस घर में रहकर कैसा लगता है उसके बाद 69 मिलियन डॉलर वाले आर्ट हाउस में रहकर, जो बना है एक असली वाली सुनामी का सामना करने के लिए, फिर एक 30 मिलियन डॉलर वाले महल में रहकर जिसका एक अपना वाटर पार्क है, और ऐसा करते करते हम रहकर देखेंगे इस खंडहर से दिखने वाले $1 वाले घर में। वो एक शेड जैसा है, वो सिर्फ $1 का है। इस घर की कीमत $1 क्यों है? बस तूफान आने की देर है, ये पूरी तरह पानी में ढह जाएगा, तो $1 लेकर इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। यानी कि ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही बेकार है मेरे लिए। हाँ सही कहा, मैं खरीदूंगा। चलो चले। ओ, ओ, लग रहा है टूट जाएगा। नीचे गिरने के चांसेस कितने होंगे? बहुत ही ज्यादा। ये घर तो डगमगा रहा है। देखो ये चेयर इस घर में कितने प्यार से रह रही है। यहाँ एक रिक्लाइनर है, एक मैट्रेस और आधा फ्लोर। मैं इस घर के अंदर से भी फिशिंग कर सकता हूँ। ओ मैंने एक पकड़ ली। वो बस काटा है, माफ करना। हमें आगे इस वीडियो में एक ऐसा घर है जो इस घर से 100 मिलियन गुना ज्यादा कीमती है, और क्योंकि मैंने इस बेकार से शैक पर फिर से कदम ना रखने का फैसला कर लिया है, तो चलो एक थोड़े बेहतर से घर में चलते हैं। और अब हम आ गए हैं $1 मिलियन वाले घर में, और इसका मतलब है इसे खरीदने के लिए एक मिलियनेयर होना जरूरी है। देखते हैं मिलियनेयर्स कैसे रहते हैं। सबसे पहले कहूंगा ये मेरे घर से बहुत बड़ा है। जब हम $1 मिलियन देते हैं तब हमें एक बड़ा सा किचन मिलता है, साथ ही में 4 बेडरूम जो आम लगते हैं। पर बस इतना ही नहीं, इस बेडरूम में यहाँ एक क्लोजेट भी है जो बाथरूम की ओर जाता है, जो $1 वाले घर से भी बड़ा है। ये बाथटब तो बहुत ही बड़ा है। मैं 6 फुट 5 इंच का हूँ और मैं इसमें कम्फर्टेबली फिट आ रहा हूँ। हालांकि यहाँ सारे बाथरूम्स में बीडेज लगे हुए हैं। ओह माय गॉश। लेकिन इस घर की सबसे खास बात तो यहाँ नीचे है। अरे बाप रे, यहाँ तो एक मूवी थिएटर है। चूड़िया चेयर्स तो मसाज चेयर्स हैं। एक मिनट, क्या? हर एक चेयर पर दो दो रिमोट्स लगे हुए हैं। दो रिमोट्स। एक मूवी थिएटर के साथ ही यहाँ एक आर्केड भी है। कि इतना कुछ मिल सकता है $1 मिलियन में। ये घर तो कमाल का है। अगर ये घर मेरा होता तो मेरे बहुत से दोस्त होते। और एंडिंग में है ये पूल, जो कि हमें मिलता है इस फिजूल के वॉटरफॉल के साथ। कुल मिलाकर कहूंगा कि ये घर रहने के लिए बहुत ही मजेदार है, लेकिन हम सबसे शानदार घर देखने के लिए निकले हैं, इसीलिए अब आगे है 15 मिलियन। 15 मिलियन वाला घर। इसे धकेलना है। ओह माय गॉड, इसे देखो तो जरा। ये मेरे लिए तो नहीं है। ये ऐसा है जैसे हम GTA में किसी घर में जाने की कोशिश करते हैं। वो व्यू तो कमाल का है। ये पूल $1 मिलियन वाले घर से काफी छोटा है, पर यहाँ से हम पूरा का पूरा LA देख सकते हैं। बचाओ! Hey, बचाओ! बस करो, रुक जाओ, जाओ अंदर, मुझे नए दोस्त चाहिए। चलो घर देखते हैं। ये घर जिस भी इंसान का है, क्या लगता है वो क्या करते होंगे? NFTs। वो एक लॉयर है। ये 2017 के टॉप अटर्नी और 2021 के नंबर 1 लॉयर भी थे। इस घर को पाने के लिए बस इतना ही चाहिए। ऐसा लगता है हमारे लिए एक नोट रखा गया है। डियर मिस्टर बीस्ट, मेरे घर पर आने के लिए शुक्रिया। आपने मुझे एक अनमोल तोहफा दिया है। मेरे बच्चों को ये जानकर बहुत खुशी होगी। और हाँ, प्लीज एक भी सैंडविच मत खाना, वो मुझे बहुत प्यारे हैं और उनकी रेसिपी पीढ़ियों से मेरे परिवार में चलती आ रही है। समझ गया। ऊपर या नीचे? नीचे। नीचे चलते हैं। ठीक है, अब ये बढ़िया लग रहा है। इस मैंशन के निचले फ्लोर पर इसका अपना एक मूवी थिएटर और एक पर्सनल जिम है। इस ट्रेडमिल को चलाने के लिए एक पास कोड चाहिए। 6969। वो 6969 नहीं है। एक गेस्ट बेडरूम, एक एंटरटेनमेंट एरिया और एक बार जहाँ पर उन्होंने बहुत सारा फ्री का खाना रखा है। गाइस, इससे पहले कि तुम लोग कुछ भी खाओ, अगर उन्होंने ये खाना यहाँ हम पर केस करने के लिए रखा हो तो देर हो गई, इसने खा लिया। और स्विमिंग पूल का एक शानदार अंडरग्राउंड व्यू। नोलन शॉट में आने के लिए बैकग्राउंड में तैर रहा है, उसे पता नहीं हमने शूट करना बंद कर दिया। और एक बार? हाँ चलो एक और बार करो। और अब एक मास्टर बेडरूम एक और शानदार व्यू के साथ। काल इधर आओ। तुम चूक गए। हमारे पास एक और है। हाँ तुम फिर से चूक गए। ओ नहीं नोलन, रोको उसे। नोलन इस वाले क्वेश्चन को भी रोको। क्वेश्चंस फेंकना बंद करो। अगर वो नीचे गिर गया तो वो मुझ पर केस कर सकते हैं। और ताकि वो हमारे ऊपर केस ना कर दे, हमने देश के दूसरे कोने में स्थित मैसाचुसेट्स का घर देखा, जो कि $30 मिलियन का है। पूरे 16 बेडरूम्स वाली ये असाधारण प्रॉपर्टी 4 बिल्डिंग्स में बटी हुई है, और मेन हाउस में कई सारे लिविंग रूम्स हैं, पर ये वाली इस प्रॉपर्टी की सबसे अच्छी वाली लिविंग रूम है। ये जगह बहुत बढ़िया है। ये क्या है? एक ओवल ऑफिस। यहाँ इस बुक के साथ हमें और कौन सी बुक मिल सकती है? द वे टू वेल्थ बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने बल्ब भी बनाया और किताब भी लिखी। एडिसन ने बल्ब की खोज की थी, बेन फ्रैंकलिन ने नहीं। तो बेन फ्रैंकलिन ने मैं क्या ये बुक पढ़ने वाला हूँ। और निकाला। यहाँ हम गोल्फ भी खेल सकते हैं।
फोर। और ये इस घर की खासियत के आसपास भी नहीं है, क्योंकि अगली जगह है एक गैराज जहाँ एग्जॉटिक कार्स भरी पड़ी है। ये बिल्कुल एक वीडियो गेम का गैराज लग रहा है। उन्होंने यहाँ लैम्बोर्गिनी के ऊपर लैम्बोर्गिनी रखी है। ये एक बड़े लोगों के गैराज स्टोर जैसा है। बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर सिर्फ एक नहीं दो गैराजेस हैं। मेरे पीछे एक और है ब्रो, यहाँ पर उस गैराज से भी ज्यादा कार्स हैं। क्या बात है। ठीक है, ये तो पक्का है कि एक कार चुराई तो उन्हें पता नहीं चलेगा। वो इतनी कार्स कैसे खरीद सकता है? मुझे एक जैसी तीन कार चाहिए। इतनी कार्स खरीदना एक फुल टाइम जॉब जैसा है। यहाँ कॉर्नर पर सीढ़ियां हैं, देखते हैं ये कहाँ जाती हैं। ब्रो, ये कार से भरा हुआ क्लोजेट है। उस कार के गैराज के ठीक नीचे कार्स की एक और सेना खड़ी है। उन्हें एक लाइट स्विच पर खर्चा करना चाहिए था। यहाँ पर 20 कार्स है पर लाइट्स नहीं है। रुको, बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं यार, इसीलिए यहाँ लाइट स्विच नहीं है। मैंने सोचा कि उन्होंने यहाँ पर पूरी 30 कार्स घुसाई पर लाइट पर खर्चा नहीं किया। मुझे गलत मत समझना, पर अब तक हमने देखे सभी कमरे बहुत ही कमाल के थे। पर अगर ये घर मेरा होता तो मुझे नहीं लगता कि इस अगली बिल्डिंग से मैं कभी बाहर निकलता। ये तो कमाल का है। सही कहा, जिस किसी ने भी ये घर जिस भी वजह से बनाया होगा उसने सोचा होगा कि यहाँ पर एक पूरा का पूरा इंडोर टेनिस कोर्ट बनाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और आप सबको याद दिला दूं कि हम सब एक घर के अंदर टेनिस खेल रहे हैं। और मैं नहीं जानता कि टेनिस कैसे खेलते हैं। गैंग स्क्वाड, मेरे पीछे आओ। क्या? बिल्कुल नहीं, दो मंजिला आर्केड। इस घर के अंदर का आर्केड $1 million वाले घर के आर्केड से 20 गुना ज्यादा बड़ा है। पर बस इतना ही नहीं, वाओ ब्रो, इस जगह पर लिटरली सब कुछ है। ठीक है, मैं यहीं पर रहूंगा। हम पिंग पोंग खेल रहे हैं, वो भी एक बास्केटबॉल कोर्ट पर, वो भी एक घर में। ओ, स्कोर पहले ही ट्राई में। इस 30 मिलियन वाले घर के सभी फीचर सच में कमाल के हैं, पर ये अगला रूम असल में इस जगह को सबसे खास बनाता है। सीढ़ियों से ऊपर जाओ इस जगह का बेस्ट पार्ट देखने के लिए। जो हम असल में देखना चाहते हैं वो ठीक यहाँ पर है। जरा इसे देखो, ये है एक इंडोर वाटर पार्क। वो ये बिल्कुल एक नई दुनिया जैसा है। देखो वो ड्रोन कितना दूर है और वो अब भी जा ही रहा है। जाओ मजे करो, पर कुछ भी तोड़ना मत। ओके। वाटर पार्क के मजे लेते हैं, आपसे अगले घर में मिलते हैं। बस बुरी खबर ये है कि वो फिर से एक बार देश के दूसरे कोने में है। पर अच्छी खबर ये है कि वो एक $45 million का विशाल मैंशन है। वो ओ माय गॉड, मैं इतने खुले खुले घर में पहले कभी नहीं गया। क्या? मुझे नहीं पता कि ये आलिशान चीज क्या है, पर बहुत सुंदर है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये घर इतने महंगे होते जा रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है कि इनके बारे में कैसे बताऊं। सच में मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैंने अब तक की देखी हुई ये सबसे खूबसूरत चीज हो सकती है। तो मैंने मदद के लिए मल्टी बिलियनर मार्क क्यूबन को बुला लिया। क्या है? मिलकर अच्छा लगा। ये मेरा बेटा, मिलकर अच्छा लगा। और मार्क डैलस मैवरिक्स बास्केटबॉल टीम के ओनर है, और क्योंकि इस घर में अपना एक बास्केटबॉल कोर्ट भी है तो आप समझ सकते हैं कि हम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए। बास्केट नहीं, बास्केट उसे काल से छीन लो। बास्केट करो। नहीं जाएगा। तुम कर सकते हो। यस जेक, चलो 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 चलो, तुम कर सकते हो। हाँ, क्या बात है। जीतने के लिए एक और पॉइंट। देखो देखो, जीत गया। अरे नहीं। ओ, क्या बात है जेक की टीम। अब मार्क को बाकी का घर दिखाते हैं। वैसे सबको बहुत पसीना आ रहा है। चलिए पता करते हैं कि इस घर के पूरे $45 million देने चाहिए या नहीं। अगर आप सोच रहे होंगे हम स्विमिंग से नहीं आए, पर देखकर लगता मैं जरूर गया था। उन्होंने इस घर की कीमत क्या बताई? 45। उतनी नहीं होगी क्योंकि ये ब्रेंटवुड है, वो लगभग आधा होना चाहिए। क्या वो एक ब्रेंटवुड है? नहीं, मेरा मतलब इस एरिया से था। मुझे भी लगा कि ये लकड़ी की बात कर रहे हैं। बहुत फनी है। यहाँ का बाथरूम भी बहुत बढ़िया है। क्या आपके बाथरूम में एक सोफा है? हाँ। वो सच में? क्या? हाँ। ओके, इनके लेवल पर जाना होगा। सबसे पहला रूल है यहाँ होनी चाहिए एक हीटेड सीट। बस यही? सोचो तुम इस पर बैठते हो और ये ठंडी नहीं है। मानता हूँ हमें हाँ। खुश रहने के लिए बिलियंस की जरूरत नहीं है। हमारे पास होना चाहिए एक बीडे और एक हीटेड टॉयलेट सीट। मैं सबसे ज्यादा वक्त वही बिताता हूँ। मुझे पता है मार्क को यहाँ टॉयलेट में वक्त बिताना बहुत पसंद आएगा, लेकिन हमारा यहाँ का वक्त खत्म हो चुका है, इसीलिए मैं आपसे अगले घर में मिलता हूँ। अगला वाला जो घर है उसका प्राइस पॉइंट मेरा सबसे फेवरेट नंबर है। और अब हम आ गए हैं $69 million वाले मैंशन में, जो बिल्कुल एक विलन का घर लगता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही दिखता है। ये तुम्हारे घर से कितना अलग है मिराजा? ये मेरे घर से तो बहुत ही ज्यादा। ये सच नहीं हो सकता, तुम्हारा एड्रेस क्या है? इस अजीब से दिखने वाले घर की कीमत मार्केट में पूरे $69 million इसीलिए है क्योंकि ये घर पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इकट्ठा किए गए अनमोल आर्ट और मूर्तियों से भरा हुआ है। सोचो ये आर्ट वर्क्स कितने कीमती होंगे, हम सब अंदाजा लगाएंगे। क्या लगता है इसकी कीमत क्या होगी? शायद $1 lakh। क्या कहती हो मिरांडा? 80,000 के करीब। ओह, इसके घर में भी ऐसा है क्या? हाँ, मेरे पास भी सेम है। इनकी असली कीमत सिर्फ आपको पता है। ओह रुको, इसे गेस करने में मजा आएगा। मेरा अंदाजा है $1 million क्योंकि इसे सीढ़ियों के पास लगाया गया है तो $4.5 lakh। सटीक जवाब, उतनी ही कीमत है। $30 million वाले घर में था एक वाटर पार्क, सैकड़ों कार्स, और इस घर में
है बस एक आर्टवर्क, ये लाल रंग वाली कोई चीज। यहाँ पर जो कमरा है हमने उनसे 30 बार वादा किया था कि हम कुछ भी नहीं छुएंगे। चलो चलो, कोई कुछ भी नहीं छुएगा। आखिर ये है क्या? ये है एक वन ऑफ वन फुली एनालॉग कस्टम होम साउंड सिस्टम, जिसे बनाया था वॉकमैन के क्रिएटर ने, जो ऐसा पहला डिवाइस था जिससे हम चलते हुए म्यूजिक सुन सकते थे। ये तो चीज ही अलग थी, अपने बेल्ट पर लगाओ और मजे से म्यूजिक सुनो आराम से घूमते हुए। मुझे नहीं लगता ये बेल्ट पर लगेगा। चलो अब स्काईवॉक की तरफ चलते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और एक वजह है कि इस घर को इतना अजीब बनाया गया है, जैसे कि कहीं भी जाने के लिए स्काईवॉक से होकर जाना पड़ता है, क्योंकि इस घर को एक असली सुनामी की ताकत का सामना करने के लिए सावधानी पूर्वक बनाया गया है। हमें मानना होगा कि ये कमाल की बात है। वाओ। हम टकराने से पहले ही सुनामी को देखकर उसे रोक सकते हैं। और एक अच्छी बात है कि हम पड़ोसी के पूरे बैकयार्ड को देख सकते हैं। शायद जो आदमी यहाँ रहता है वो सामने वाले घर में किसी से चुपके से प्यार करता होगा। वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। ये तो रोमियो और जूलियट है। और अब जो हमने हमारे नेबर का घर देख लिया था, वक्त था हमारे आखिरी स्टॉप पर जाने का, वो आखिरी वाला घर, या फिर मैं ऐसा कहूँ वो पूरे 139 मिलियन डॉलर वाला घर, इस दुनिया का अब तक का सबसे लग्जरियस घर, मेगा मैंशन। इस विशाल से 36,000 स्क्वायर फीट में बने मैंशन में आप वो सब देखेंगे जो आपने किसी भी घर में नहीं देखा, एक नाइट क्लब से एक टीरेक्स तक और एक पूरी तरह रोबोटिक कार एलिवेटर तक। ये जगह देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। और ये हाउस टूर को और खास बनाने के लिए हमने जस्टिन टिम्बरलेक को बुलाया। क्या हाल है दोस्तों? और ये है जस्टिन का घर और ये हमें टूर देंगे। नहीं। क्या बात है, क्या तुमने जिंदगी में कभी इतना अच्छा व्यू देखा है? ये तो शानदार है। हाँ गाइस, सच में तुमने बहुत अच्छा सीजीआई किया है, बहुत ही अच्छा लगा। हाँ शायद ये टॉप 10 में होगा। मैं दूंगा इसे टॉप 5। ये बताना मुश्किल है कि ये मैंशन असल में कितना बड़ा है। इसमें है 12 बेडरूम्स और 17 बाथरूम्स, जो 3 विशाल फ्लोर्स में बटे हैं, जहाँ से लॉस एंजलिस स्काईलाइन का परफेक्ट व्यू दिखता है। इस घर में जो भी है वो इस दुनिया के सबसे महंगे मटेरियल से बनाया गया है। मिसाल के लिए इस कमरे की सभी दीवारें रेयर मार्बल से बनी हुई हैं, जिसे सीधे इटली से इंपोर्ट किया गया है। तुम लोगों को ये अंदाजा लगाना चाहिए कि इस घर में असल में कितने मार्बल्स लगाए हैं, मतलब कि ये खास कर डिमांड पर बनाई है। हाँ, यहाँ एक भी ऐसी दीवार नहीं है जो चमक नहीं रही हो। सही कहा तुमने, ये शैंडेलियर काफी आलीशान है। ये शैंडेलियर पूरे मिलियन डॉलर का है और वो सीलिंग लिटरली नीचे आ रही है, क्योंकि इसका वजन हजारों किलो होगा। ये सच में काफी बड़ा है। तुमने बताया ना इतना महंगा है, मैं तो इससे खेल रहा था। इस घर में लिटरली पूरे 6 मिलियन डॉलर के सिर्फ शैंडेलियर्स ही लगे हुए हैं, और नीचे वाले फ्लोर्स के रूम्स और भी बेहतर हैं। नीचे तो एक और घर बना हुआ है। अगर हम यहाँ आते हैं, डूड ये लिटरली एक आइस रूम है। मुझे लॉक तो नहीं करोगे ना? नहीं करना भी मत। हाँ तो हम अंदर क्या करने वाले हैं? उनके रूम आइडियाज खत्म हो गए होंगे। 50% चांस है कि हम यहाँ बंद हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ हैंडल नहीं है। ओ नहीं, सब ठीक है। पर वैसा होता तो मजा आता। इनका चेहरा देखो। क्या ये एक असली डायनासोर है? अब इस घर में एक डायनासोर भी है तो क्या अब इसे खरीदना चाहोगे? मैं और सोचना चाहूंगा। ये एक लॉकर रूम है। अभी ये घर किसी का भी नहीं है, तो उन्होंने दुनिया के ऐसे कुछ लोगों का नाम इस पर लिखा है जो इसे असल में खरीद सकते हैं। वॉरेन बफेट के पास है 80 बिलियन, एलिसन के पास है 50 बिलियन, बेजोस के पास है 100 बिलियन। चंद्र, तुम्हारा नाम इस पर क्यों नहीं है? ठीक है, चलो इसे देखते हैं। नोलन, क्या तुम बस पोज दे रहे हो? मैं बस बैठा हुआ हूँ। तुम्हें ये घर सच में जच रहा है। थैंक यू, मैं बस वही कहने वाला था, वही कहने वाला था। छोटा मुंह बड़ी बात। नोलन खुद एडिटिंग रूम में जाकर इसे क्लिप करेगा। इस 2.5 मिलियन डॉलर वाले कार एलिवेटर में इस घर के सबसे बढ़िया फीचर्स में से एक फीचर है। हम टैबलेट पर सिलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सी कार चलानी है, और ये उसे तुरंत 2 फ्लोर ऊपर सीधे गैराज में भेज देता है। पता है तुम क्या सोच रहे हो? इसका मेन प्रॉब्लम ये है कि इसमें सिर्फ 6 लैम्बोर्गिनीज की जगह है। तुम्हें चाहिए एक 10 कार स्टोरेज। सही कहा तुमने। और इस घर में एक इतना बड़ा होम थिएटर है जितना कि मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। ये लगभग एक मूवी थिएटर जितना ही है। ये अब तक का सबसे बेस्ट मूवी थिएटर है, और यहाँ रिक्लाइनिंग चेयर्स भी है। इसी बात के तो 100 मिलियन लिए। इसे देखो जिमी, यहाँ इसे देखो, वो मसाज बटन दबाना। ओके ये लो। क्या कर रहे हो तुम? हे, मुझे नहीं चाहिए। ब्रो मेरा बटन कहाँ है? मेरी चेयर वैसा नहीं कर रही है। यहाँ मुझे देखने दो। हाँ चैंडलर, मसाज फीचर चेक करो। ओह माय गॉश, ये काम करता है। यहाँ पर ये ऐसी एक ही चेयर नहीं हो सकती। सच में ये कमाल है। आखिर इनकी प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, तुम सीढ़ियों से ऊपर जाओ। यहाँ पर ये प्राइमरी बेडरूम है। ओ, और इस तरफ हैं बाथरूम्स। अगर तुम कभी 10 लोगों के साथ नहाना चाहो तो अब नहा सकते हो। यही तो मैं चाहता हूँ दोस्त।
इस बाथटब में तुम आराम से लेटकर अकेले नहा सकते हो, पर शार में एक आर्मी को नहला सकते हो। तो तुम्हें ऐसा करना पसंद है? वो आएगा। हाँ? यहाँ अंदर और जगह। अब इस घर का सबसे बेस्ट पार्ट जो है पूल पर। ये घर इतना महंगा होने की असली वजह, मैं बटन दबा रहा हूँ। क्या वो एक स्क्रीन है? ये बहुत ही बड़ी है। और स्लो भी। पर ये ड्रामा तो क्रिएट कर रहा है। बहुत सस्पेंस भरा लग रहा है। ड्रामेटिक इफेक्ट। मतलब ये सच में कुछ ज्यादा ही हो गया। एले का क्या खूबसूरत नजारा है। सोचो अगर इसका स्क्रीन सेवर एले होता। हाँ, वो शायद है। वही है ये। सच में वहाँ एले का नजारा है और वहाँ भी एले का नजारा है। तुम्हें बता दूं, काल 6.5 है। हाँ, ले देखो, उतना तो होगा ही। देखो उसके मुकाबले टीवी कितना बड़ा है। ठीक है जस्टिन, तुमने पूरा घर देख लिया, अब हमें जानना है। जाहिर है तुम्हारे पास 100 मिलियन डॉलर कैश में है तुम्हारी कार में, राइट? क्या तुम ये घर खरीदोगे? नोलन की शर्ट भी आएगी साथ। मेरी शर्ट पसंद नहीं। तुम्हारी शर्ट भी मिलेगी? हाँ। तो चलेगा। पर जिस भालू ने ये शर्ट फाड़ी थी वो भी साथ आएगा। सॉरी, उम्मीद है आपको मजा आया होगा। जल्दी मिलते हैं।